शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ओम शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख शांति आनंद स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ओम शांति। आज हम टेक्निक देखने वाले हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में करीब करीब 100 बिलियंस न्यूरॉन्स यानी सेल्स होते हैं, उसमें 100 ट्रिलियंस कनेक्शंस होते हैं, और न्यूरॉन टू न्यूरॉन में कैसे मैसेज पास होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है और फिर मैसेज पास होता है कि जैसे खाना है, पीना है, चलना है, बोलना है, सोना है, जो हमारे रूटीन काम करने, घर के काम, ऑफिस के काम, बिजनेस के काम, समाज के काम, इतना ही जो कुछ है उतनी कनेक्शन हमारे ब्रेन के अभी एक्टिव है। लेकिन हम में कैपेसिटी है कि और भी ज्यादा कनेक्शन हम क्रिएट कर सकते, न्यू पाथवेज हम बना सकते हैं। तो वो कैसा बना सकते हैं? तो वो विजुअलाइजेशन से बना सकते हैं। वो हमारे विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के टेक्निक से हम उसको बना सकते हैं। तो जो न्यू पाथवेज हमें क्रिएट करना है या विजुअलाइजेशन जो करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारा जो तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र माने ये दो आंखें तो हमें सबको पता ही है, जिस्मानी नेत्र है। तो फिर जो मैं आत्मा हूं, ये जो भाव है, ये भावना है, जो महसूसता है, इसको हम क्या कहते हैं? तीसरा नेत्र यानी मैं आत्मा हूं। आत्मा यानी एनर्जी हूं, आत्मा यानी चैतन्य शक्ति हूं। तो ये भाव से, ये बुद्धि के नेत्र से हम विजुअलाइजेशन करते हैं। और जब मन शांत होता है और वो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी मन के पर्दे पर ब्रेन क्या समझता है? चित्र की भाषा समझता है, तो उसको बनाते हैं, तो वैसा ही हम बन जाते हैं। जैसे जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो वो सोच जब विजुअलाइज होती है तो वैसा हम बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, सिमोनटॉन, कैंसर के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव इमोशंस और वेजिटेरियन डाइट और एक्सरसाइज से कैंसर के पेशेंट को ठीक किया। यानी आज तक हम सुनते आए हैं कि कैंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है और वो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसके लिए केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह वगैरह काफी कुछ लेना पड़ता है। तो लेकिन ये साइंटिस्ट ने क्या किया, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव इमोशंस और वेजिटेरियन डाइट और एक्सरसाइज ये मेडिसिन के साथ साथ जोड़ दिया। तो मेडिसिन प्लस मेडिटेशन और मेडिटेशन के बाद विजुअलाइजेशन, वो भी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर उन्होंने जो कैंसर जैसी बीमारी उसको भी ठीक करके दिखाया है। वो कैसे? तो विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो चार बातों की बहुत आवश्यकता होती है। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होने के लिए जो विजुअलाइज हम करते हैं उसके ऊपर क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। और जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं वो दृढ़ता के साथ करना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए, और उसमें निरंतरता चाहिए, सातत्य चाहिए और स्पष्टता भी चाहिए। तो ये चार बातें जब साथ में आती हैं तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होता है। विश्वास भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, और जो हम विजुअलाइज करते हैं उसमें स्पष्टता, क्लियरिटी चाहिए, और वो निरंतर करना चाहिए, उसमें सातत्य होना चाहिए।
तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन काम करेगा, उसका प्रभाव बताएगा, उसका इफेक्ट हमें हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसका यूज कैसे किया उनके ट्रीटमेंट में। तो उनके कोई कैंसर के पेशेंट है, तो उन पेशेंट को उन्होंने पूरी फिजियोलॉजी समझाई कि क्या क्या फिजियोलॉजी होती है, और फिर उन्होंने ये भी समझाया कि जो कैंसर के सेल होते हैं तो वो चूहे जैसे होते हैं, और वो जो हमारी WBC यानी हमारे खून में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना, तो वो व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करते हैं, तो वो हमारे शरीर का रक्षण करते हैं, संरक्षण सिस्टम हमारी शरीर की है। तो ऐसे विजुअलाइजेशन करने को बोला था उन्होंने कि कैंसर के सेल चूहे जैसे हैं और WBC के जो सेल है वो बिल्ली जैसे हैं। बिल्ली किसको खाती है? चूहों को खाती है। यानी मेरे जो संरक्षक सेल है यानी WBC जो सेल है वो किसको खाएंगे? कैंसर के सेल को खाएंगे। ऐसे विजुअलाइज करने की टेक्निक ये साइंटिस्ट ने पेशेंट को समझाई कि आप ऐसा विजुअलाइज करो। क्या विजुअलाइज करो? कि जो कैंसर के सेल है आपके ब्लड में, जो कैंसर के सेल है उनको ये व्हाइट ब्लड सेल बिल्ली जैसे है वो चूहे को खा रहे हैं, यानी बिल्ली चूहे को खाती है, वैसे व्हाइट ब्लड सेल कैंसर के सेल को खा रहे हैं। तो ऐसे विजुअलाइज करो। वो रोज रोज पहले मेडिटेशन करना, फिर विजुअलाइज करना, मेडिटेशन करना, विजुअलाइज करना, ऐसे कई महीने करने के बाद में एक दिन ऐसा आया कि ये पूरे ही कैंसर के सेल खत्म हो गए। ये रियलिटी है, ये सत्य है, और ये उन्होंने करके दिखाया। यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में विजुअलाइजेशन कितना अहम काम करता है ये साइंटिस्ट ने हमारे सामने रखा। यानी ये टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक मेडिकल फील्ड में भी काम करता है, जैसे कैंसर में काम करता है वैसे हार्ट डिसीज में भी काम करता है। जैसे हार्ट डिसीज में काम करता है वैसे घुटने के कुछ प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द है, बैक एक है, वहां भी काम करता है। या अपना मन डिप्रेशन में गया है, डिप्रेशन की बीमारी है, वहां भी काम करता है। तो ये कैसा करना है? तो हर एक बीमारी का विजुअलाइजेशन अलग अलग होता है। तो समझो अभी हार्ट डिसीज है, हार्ट डिसीज क्या होता है? तो हमारे हार्ट के जो आर्टरीज है, खून की नली है, उसमें क्या जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल वो ब्लड फ्लो को क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो यहां पर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या करना है? यहां पर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ऐसा करना है कि परमपिता परमात्मा की लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं, और मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई हूं, और मुझ आत्मा से वही किरणें जो शक्तिशाली किरणें हैं, लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें हैं, सुनहरी किरणें हैं, वो मुझ आत्मा से मेरे हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर बरस रही है, और मेरे हृदय की जो तीन धमनियां है, तीन ब्लड वेसल्स है, उसमें से पास हो रही है। जैसे लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें मेरे हार्ट के धमनी आर्टरी से पास हो जाएंगी, जो पीला पीला कोलेस्ट्रॉल वहां पर है वो पिघल रहा है। क्या हो रहा है? पिघल रहा है। ये किरणें कैसी है? गर्म है, एनर्जी से भरपूर है। तो ये उसमें जैसी टच होती है तो वो पीला पीला कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है? पिघल रहा है। जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन अगर गैस के ऊपर रखा तो पिघल जाता है, ऐसे ये लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें मेरे धमनियों के अंदर से जब पास हो रही है, कोलेस्ट्रॉल को जब टच कर रही है, तो ये कोलेस्ट्रॉल पूरा पिघल जा रहा है। वो विजुअलाइज करना है, और वो बहते हुए जो पिघल गया ना, अभी चिपक के था पहले तो पिघल गया, और पिघलने से फिर वो नीचे जा रहा है, लिक्विड के रूप में आया, और वो नीचे नीचे जाकर हमारे यूरिन से पूरा निकल गया। ये विजुअलाइज करना है। जैसे ये विजुअलाइज करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल सच में पिघलता है और सच में यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है।
तो यह है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हार्ट के बारे में, जैसे कैंसर के बारे में ऐसे हार्ट के बारे में। फिर डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन में क्या होता है, मन सदा उदास होता है, निराश होता है और मन सदा ऐसा लगता है कि बस एक कुछ काम न करे, एक जगह पर बैठे, तो उनमें क्या भरना है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या करना है कि देखो मेरा मन प्रसन्न हो गया है, मेरे शरीर में स्फूर्ति आ गई है, उत्साह आ गया है, मैं उत्साह से ये काम कर रही हूँ, रसोई बना रही हूँ, उत्साह से घर के काम कर रही हूँ, उत्साह से घर परिवार के सारे सदस्यों के साथ बातें कर रही हूँ, हंस रही हूँ, खिलखिला रही हूँ, फिर सारे परिवार के साथ मैं पिकनिक को गई हूँ, पिकनिक में गार्डन है, फूल है, खुशबू है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके साथ खेल रही हूँ, मेरा मन उमंग से भरा है, उत्साह से भरा है, प्यार से भरा है, खुशी से भरा है, ऐसे क्या करना है, विजुअलाइज करना है। इससे क्या, विजुअलाइज करना, ये क्या हो गया, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इसमें भी काम करता है। और डिप्रेशन के पेशेंट को और भी कहा जाता है कि अपने जीवन में जितने भी पॉजिटिव घटनाएं हुई है ने बचपन से लेके अभी तक, उसको एक डायरी में लिखे, फिर उसको याद करने में कैसा आसान हो जाएगा। अपने ही जीवन की घटनाएं जो पॉजिटिव बातें हुई है उसको एक डायरी में लिख के निकाले और वो उसको पढ़े, बार बार पढ़े, उसको विजुअलाइज करे, उसको फील करे, तो फिर उमंग उत्साह और भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हमें बहुत फायदा होता है, लेकिन उसमें क्या चाहिए, विश्वास, उसमें स्पष्टता, उसमें दृढ़ता और उसमें निरंतरता, सातत्य चाहिए। ऐसे पहले मेडिटेशन करना फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना, ऐसे दिन में कम से कम 3 बार हमें करते आना चाहिए। 10-10 मिनट ही करना है, लेकिन 3 बार जब हम करेंगे तब हमारी सारी बीमारी, तन की हो मन की हो, वो पूरी हट जाएंगी। ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का टेक्निक है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मेडिटेशन में भी हम क्रिएटिव क्या करते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं। देखो कि मैं आत्मा हूं, यानी हम भुरकुटी के मध्य देखते हैं, झगमग करता दिव्य सितारा, देखना है ना, विजुअलाइज करना है ना, केवल विजुअलाइज नहीं करना, फील भी करना, वो फील भी करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, AVF, यानी जो कमेंट्री मैं देती हूं उसको मन के मन में दोहराना, यानी ऑडियो हो गया, ए फॉर ऑडियो, वी फॉर विजुअलाइजेशन, कंप्लीट उसको विजुअलाइज करना, और कैसे विजुअलाइज करना, फीलिंग के साथ विजुअलाइज करना। तो एक पॉजिटिव फाइल हमारे ब्रेन में बन जाएंगी, एक पॉजिटिव इंप्रेशन हमारे ब्रेन में आ जाएगा और एक पॉजिटिव संस्कारों की फाइल मुझ आत्मा में आ जाएंगी, और मुझ आत्मा में जो ये प्रिंट हो जाएगा, ये जो इम्प्रेशन हो जाएगा, एक संस्कार बनेगा, वो अगले जन्म भी हमारे साथ आएगा। यानी इस जन्म में भी हमको फायदा हुआ और अगले जन्म में भी हमको फायदा हुआ, ऐसे ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। तो ये विजुअलाइजेशन से हमारा वर्तमान भी बनता है और हमारा भविष्य भी बनता है। तो मन क्या करता है, सोचता है, बुद्धि क्या करती है, चित्र निर्माण करती है, और पंचेंद्रिय से हम फील करते हैं, और ये तीनों जब साथ में होते हैं तब एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम पा सकते हैं। अभी हम यही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मेडिटेशन करेंगे। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में, अत्यंत सुंदर सा प्यारा सा झगमग करता दिव्य सितारा, ये मैं हूं, एनर्जी हूं, लाइट हूं,
रोशनी हो, अपने सामने देखे, विजुअलाइज करे परम पिता परमात्मा जो अत्यंत तेजोमय है, सभी एनर्जी का सोर्स है। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वही तेजोमय किरणें मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। मैं आत्मा ये तेजोमय किरणों को ग्रहण कर रहे हूं। मुझ आत्मा से निकलती हुई ये तेजोमय किरणें मेरे हार्ट को प्राप्त हो रही है, मेरे हृदय तक आकर पहुंची है। मेरे हृदय की तीनों ही आर्टरीज, खून की नलियां, उसमें से ये तेजोमय किरणें पास हो रही है। धमनी के वॉल को चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल जो पीले रंग का है, उस पर ये तेजोमय सोनेरी किरणें प्रवाहित हो रही है। जैसे ही इस किरणों का टच कोलेस्ट्रॉल को होता है, कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है। 1% पिघला, 10% पिघला, 20% पिघला, 30% पिघला, 40% पिघला, 50% पिघला, 80% पिघला, 90% पिघला, 100% पिघल गया और सारा का सारा वो पीला पीला पिघला हुआ लिक्विड मेरे हार्ट के धमनी से निकलकर यूरिन के माध्यम से मेरे शरीर के बाहर निकल गया है। मेरे तीनों ही धमनियां स्वच्छ हो गई हैं, क्लीन और क्लियर हो गई हैं। शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे धमनियों से आगे प्रवाहित हो रहा है। मेरा हृदय हेल्दी हो गया है, मेरा ब्रेन हेल्दी हो गया है, मेरा संपूर्ण शरीर हेल्दी हो गया है, निरोगी हो गया है, आरोग्य संपन्न हो गया है। मेरा मन प्रसन्न, खुश, आनंदित है। मेरा जीवन सफल और सक्सेसफुल है। Thank you.
सुख बरसाए, शांति सागर की लहरे, सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए।